आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल करने वाला हूं जो कि इंस्टा नोवा लोन एप्लीकेशन से लोन लिए थे और इनके एक सवाल है कि क्या मेरे को रिपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इनके बातों को सुनते हैं, आखिर इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे ये 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन के चक्कर में फंसे हैं। तो सबसे पहले इनके बातों को सुनते हैं, आखिर इनके साथ जो जो प्रॉब्लम हुआ है इस वीडियो में सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनके पास कॉल लगा लेता हूँ। हेलो, हाँ मैं रितेश मौर्य बोल रहा हूँ, टेक्निकल सिलेक्टर से। क्या एप्लीकेशन से आपका प्रॉब्लम हुआ है? प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन्होंने लोन लिया था, मैंने उनसे 2000 दिया। अच्छा, तो अब उनकी वो एप्लीकेबल तो डिलीट हो गया वहाँ से, प्ले स्टोर से रिमूव हो गया है, क्योंकि 7 डेज वाला एप्लीकेशन था। RBI NBFC द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन ये नहीं था। हाँ, ये नहीं था। हाँ, तो पेमेंट देनी चाहिए वापस या नहीं? नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर एक पल के लिए मानता हूँ कि देखो अगर आप इसको रिपेमेंट करते हो ना, तो लाइक देखो मेरे से आप मान लो एक पल के लिए एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, आप मेरे से लोन लिए, ठीक है, लाइक मेरे से लोन लिए और आपका 7 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट करने के समय होता है और मैं आपको मैसेज करूँगा कि आपका ड्यू डेट इतना है और आपका अमाउंट इतना है, आप मेरे को रिपेमेंट करो। चलो आपने एक पल के लिए मान करके कि रियल एजेंट हूँ आप, मैं इस इंस्टा नोवा का ही एजेंट हूँ, आपने मेरे को पैसे पे कर दिए, मेरे को अब अगेन से आपको 6 दिन के बाद मेरा दूसरा वाला भाई आएगा और आपको मैसेज करेगा, बोलेगा कि आपने इंस्टा नोवा एप्लीकेशन से लोन लिया था और आपको रिपेमेंट करना इतना हुआ था, तो आप बोलोगे कि मैंने तो रिपेमेंट कर दिया, और बोलेगा प्रूफ दो। अब आप प्रूफ भी भेजोगे मेरे दूसरे वाले भाई को, तो वो बोलेगा कि नहीं ये रियल एजेंट नहीं था, ये फेक एजेंट था, आपने गलत एजेंट को पैसे दे दिए, तुम्हें मुझे रिपेमेंट करना पड़ेगा, आपको खूब हरासमेंट करेगा, ब्लैकमेल करेगा, लाइक टॉर्चर बहुत ज्यादा करेगा। तो आप टॉर्चर होकर के आप रिपेमेंट चलो दूसरे वाले भाई को भी कर देते हो रिपेमेंट है, तो अगेन से 6 दिन के बाद तीसरा वाला भाई मेरे को आपको पास मैसेज करेगा, वो बोलेगा कि आपने इंस्टा नोवा लोन से लोन लिया है, आपका रिपेमेंट करने के लिए इतना है और आपका लाइक जो मान लो 2000 का लोन लिए थे और आपसे 4000 रुपया रिपेमेंट करवाएगा, बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट के साथ इतना बढ़ करके हो चुका है। आप बोलोगे कि मैंने दो एजेंट को पैसे पे कर दिए, उसको भी आपने प्रूफ भेजा गया, वो बोलेगा कि नहीं ये दोनों एप्लीकेशन के एजेंट नहीं है, ये फेक एजेंट है, आपने गलत UPI पे पैसे पे कर दिए, या ये एजेंट मतलब कि फर्जी एजेंट है, तुम्हें मुझे रिपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करते रहेंगे अगर आप एक बार रिपेमेंट कर देते हो तो, ठीक है। तो इससे अच्छा मेरी 17 तारीख थी देने की वापस, तो मैंने दिए नहीं, तो मुझे परसों फोन आया था लड़की का, तो वो रिपेमेंट करने के लिए तो लिंक भेज दी थी, मैं लिंक पे नहीं भेजूंगा, मुझे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर मैं भेजूंगा। हाँ हाँ, डायरेक्टली बोलो उनको कि मैं कभी भी लिंक पे नहीं करूंगा, कोई वेबसाइट के थ्रू मैं नहीं करूंगा, एप्लीकेशन प्ले स्टोर में होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि प्ले स्टोर में होना चाहिए तो बोलेगा कि नहीं लिंक पे करो, लिंक पे वेबसाइट पे जाओ, वहां से आपको एप्लीकेशन से ही ना मतलब है, आप लाइक गूगल से उनकी कंडीशन में भी लिखा हुआ जब भी हम पेमेंट करते हैं उनमें लिखा हुआ था ऊपर कि आपको किसी लिंक पे पैसे नहीं भेजने हैं। हाँ, आपने पेमेंट जो करनी है जो वो इंस्टा नोवा ऐप के थ्रू ही भेजनी है। हाँ हाँ, पे करनी है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लिंक पे भी अगर आप करते हो, बोलोगे कि लिंक पे से तुमको एप्लीकेशन से ही मतलब है, लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से करो, आपको बोला है कि नहीं मैं लिंक पे क्यों करूँगा, जब प्ले स्टोर पे रहेगा तो ही मैं करूँगा, ठीक है ना। और आपको डरना नहीं है, जैसे आपसे बात करेंगे ना वैसे ही आपको बात करना है, ये नहीं कि आपको डर जाओगे, अगर आप डरोगे ना तो वहीं पर आपको रिपेमेंट के नाम पर हरासमेंट आपका खेल खत्म हो जाता है और आपको हरासमेंट ब्लैकमेल करेंगे ही करेंगे। देखो जैसे आपसे बात करेंगे ना वैसे ही बात करना है, एकदम डट करके सामना करना है, डरना नहीं है, क्योंकि देखो आप जैसे ही बात करोगे ना तो उनको भी सामने वाले बंदे को लगना कि ये भी दबंग आदमी है, रिपेमेंट नहीं करा। आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर रिपेमेंट नहीं करोगे, तुम्हारे जो सेल्फी आप वेरिफिकेशन किओगे उस फोटो को न्यूड बना करके तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भेज दूंगा, इधर वायरल कर दूंगा, उधर वो कर दूंगा, बट आपको बोलना है कि जो करना है कर लो, मैं सारे फैमिली मेंबर्स को बता कर रख रहा हूं, जितने भी मेरे रिलेटिव से मैं सारे लोग को बता कर रखा हूं, जो तुमको उखाड़ना है उखाड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो ऐसा बताना है, ठीक है। तो आपने एक बात और बताओ, रेफरेंस में आपने नंबर दिया था, और दिया था तो कितना दिया था, इंस्टा नोवा में लोन अप्लाई करते समय आपसे मांगा होगा? मेरा नंबर था, मेरी वाइफ के नाम पे दिया था मैंने। अच्छा, मैंने अपना नंबर दिया था, मेरे एक दोस्त था, भाई अपना उसका नंबर दिया। अच्छा, और मांगा था या दो ही मांगा था? दो ही मांगा था। तो फिर तो सही, अपने दोस्त से मैनेज कर लेना कि अगर मान लो जी कुछ हरासमेंट वगैरह कर, अरे फिर तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए क्योंकि काफी सारे लोग यही गलती कर देते हैं ना, रेफरेंस में लाइक अपने फैमिली मेंबर्स को दे देते हैं तो उनको न्यूड फोटोज भेजने लगता है या रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करने लगता है, तो थोड़ा दिक्कत विकत हो जाता है, बट अपने दोस्त वोस्त को दे दिया तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक। बात बताना मुझे, मेरा ना 4 साल, आज मुझे 5 साल हो गए हैं, मेरे 4 साल ना मैं एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मेरी प्रॉब्लम हो गई लाइफ में ऐसी, मेरे 4 साल में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बेड पे था, मेरा सब कुछ लॉस हो गया था लाइफ का। अच्छा अच्छा, तो मेरा एक लोन था HDFC का, वो मेरा उसका गाड़ी का लोन था, गाड़ी भी मेरे को उसके पैसे देने वो ले गया गाड़ी, है ना। हाँ, तो बैंक वाले नहीं लेके गए गाड़ी, तो वो लोन का क्या करना चाहिए मुझे, वो तो अनएक्टिव बता रहा, वो लोन मेरा तो अनएक्टिव बता रहा। तो एक बार जहाँ से आपने लोन अप्रूवल किए थे ना, आपने जहाँ से बाइक वाइक लिए होगी, चाहे जो भी फोर व्हीलर लिए थे, बाइक लिए, गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं ली थी, गाड़ी ली थी, कार ली थी, फोर व्हीलर कार ली थी,
तो आप एक बार जा करके पता कर लेना कि क्योंकि मेरा तो आप गाड़ी भी लेकर के चले गए, मेरा एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा लोन क्लोज हुआ या नहीं हुआ, जो बैंक से आपका अप्रूवल हुआ था लोन। मुझे कोई फोन नहीं किया ना, उनको पता है मेरा, क्योंकि 4 साल बाद मुझे लगता है 3 साल बाद वैसे भी वो फाइल क्लोज कर देते हैं, वो अनएक्टिव कर देते हैं उसको, कि बंदा है ही नहीं। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों करोगे। हाँ एक बार आप क्या कर सकते हो ना, साइबर कैफे में जाओ और वहाँ पे अपना चेक करा लेना कि आपके जो पैन कार्ड होगा ना आपका, तो उस पर आपका एक्टिव लोन है कोई कि नहीं है। तो वहाँ पे अगर जितने भी अगर एक्टिव लोन होंगे ना, तो उस पर आपका सिविल स्कोर पे दिखा देगा, सिविल पे, ठीक है ना। वो मैं खुद देख लेता हूँ, पैसा बाजार पे क्रेडिट मंत्री पे वहाँ पर देख लेता हूँ। हाँ, तो मेरे दो वहाँ पे लोन है, वहाँ पे एक मेरा दो लोन है श्रीराम का 25,000 का, इसका 8.5 लाख भी है। अच्छा, तो ये लोन में दो चल रहे हैं, बस ये दो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, और कोई नहीं। मेरा 548 मेरा सिंबल है। हाँ तो फिर तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब अभी मेरा सब कुछ लॉस्ट हो गया, मेरा सारी लाइफ के बहुत ज्यादा लॉस्ट हो गया मेरा ना भाई, मैं समझ सकता हूँ। कार से ही एक्सीडेंट हो गया था। अभी लोन में, अभी मैं लोन लेना चाहता हूँ, अभी कार पे लोन नहीं हो रहा मेरी, मैं कार लेना चाहता हूँ टैक्सी लाने के लिए। तो बता सकते कौन सी आपसे मैं ले सकता हूँ? देखो मेरे वीडियो में देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक RBI NBFC द्वारा ऑथराइज एप्लीकेशन मिल जाएगा, और सारे RBI द्वारा ऑथराइज है, 10-15 एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा ही होंगे। अब मेरे वीडियोज को चैनल में जाओ, वीडियोज के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टेक्निकल सेलेक्टर सर्च करके, ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ वेलकम, चलिए फिर, ठीक है फिर, बाय, वेलकम। तो आई होप ने आप लोग इस वीडियोस को देखे होंगे, तो भाई आपको मैं हर एक वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको रिपेमेंट नहीं करना है, इनके साथ एक्सीडेंट हो चुका था, तो भाई भाई पैसे के हर एक कोई को जरूरत पड़ता है, तो इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, इनको रिपेमेंट के नाम पे भाई अभी तो कोई मतलब मैसेज वैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको आइडिया लेना था कि रिपेमेंट करूँ या नहीं करूँ। तो आपको एक भी रिपेमेंट नहीं करना, एक भी रुपया रिपेमेंट करोगे तो भाई आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल करेगा। सिंपली व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो जिसमें लिखो मेरा फोन हैक हो चुका है, ट्रूकॉलर में तीनों सेटिंग ऑन करो, फ्रॉड कॉल, अननोन नंबर और स्कैमर्स वाला, और आपको सिम को निकाल करके एक महीने तक रखना है, नया मार्केट से सिम लो, उस चीज को यूज करो, और आप रिपेमेंट हरासमेंट ब्लैकमेलिंग से बच सकते हो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा दिक्कत होता है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप अपना कॉलिंग नंबर सेंड करके मेरे से बातचीत कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।